दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तब से भ्रष्टाचार के मामले मानो रोज की बात सी हो गई है। कभी शराब घोटाले, कभी मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला, कभी शीश महल घोटाला, तो कभी भर्ती घोटाला। तो अब एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें आप पार्टी के नेताओं ने ही केजरीवाल की पोल खोल दी है, जहां उन्होंने बताया कि जितने भी आप सरकार में काम होते हैं उसमें पैसे का लेन देन चलता रहता है। जहां एलजी विनय सक्सेना और केजरीवाल के बीच तीखी बहस देखने को मिली है और हाल ही में एलजी ने दिल्ली सरकार के 437 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था, जिसे लेकर केजरीवाल ने एलजी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो लोगों को बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं अब आप पार्टी के मेंबर और नेता रह चुके उनके साथी ने केजरीवाल की पोल खोल दी है और बताया है कि जितने भी 400 लोग थे वो सब आप पार्टी के विधायक के भाई, रिश्तेदार और जान पहचान वाले थे, और जिनमें से एक नाम दुर्गेश पाठक की पत्नी का भी सामने आया। दरअसल दुर्गेश पाठक केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते हैं और केजरीवाल ने उन्हें अब एमसीडी की कमान भी दे दी है। तो वहीं अब एलजी के एक्शन के बाद केजरीवाल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एलजी दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने इन 400 प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों को केवल इसलिए दंडित करने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ जुड़ने का फैसला किया। जब एलजी ने यह फैसला लिया तो प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। इस मामले को कोर्ट में लड़ने की बात भी कही जिससे वो खुद इसमें उल्टा फंसते नजर आ रहे हैं। अगर कोर्ट के आदेश से अधिकारियों की जांच होती है तो उसमें भ्रष्टाचार के सारे सबूत मिल जाएंगे, जिसे देखकर तो यही लगता है कि केजरीवाल का फंसना अब तय है। वो कहते हैं कि कब तक बच बच कर चलोगे, एक ना एक दिन तो हाथ लगोगे। तो वही हाल अब केजरीवाल के साथ होता नजर आ रहा है।